हाय गाइस, जर्नल का पहला वीडियो आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा और आपने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। हम लोग लेवल वन कर रहे हैं। मैंने पूरे जर्नल को अलग अलग लेवल्स में बांटा हुआ है, ठीक है। आज लेवल वन का हम वीडियो टू आपको सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपके पास क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर वन में पहला ट्रांजेक्शन देख लीजिए आप। सोहेल स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000। पहली बात आपको ना, मुझे आप अपने दिमाग में हमेशा रखो कि आप हो कौन। तो अगर मैंने जैसे बोला आप कौन हो, तो उसका मतलब है कि आप कौन हो, आप एक बिजनेस हो, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है सोहेल स्टार्टेड बिजनेस, यानी सोहेल ओनर हो गया, बिजनेस का प्रोप्राइटर हो गया। उसने 50,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे, मैंने आपको जैसे बताया था पिछली वीडियो में, हमेशा दो या दो से ज़्यादा आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो दो आइटम्स अगर मैं देखूँ इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, सोहेल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो सोहेल क्या दे रहा है, पहली चीज कैश दे रहा है, ठीक है। अब वो जो सोहेल ओनर है, और ओनर जो भी पैसा देता है या जो भी चीज़ बिजनेस में लगाता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। तो एक तो यहाँ पर आइटम हो जाएगा कैश, एक हो जाएगा कैपिटल। अब हम रूल की बात करते हैं। तीन रूल्स हमने पढ़े थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आपको पता लग गया होगा कि कैश कौन सी कैटेगरी में आएगा, कैश रियल की कैटेगरी में आएगा। अब बात करते हैं कैपिटल। चलो सोचो ज़रा 5 सेकेंड कि कैपिटल कौन सी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता लगा। सो कैपिटल यहाँ पर आएगा पर्सनल अकाउंट में। किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। सिर्फ गौरव सर ने बोल दिया पर्सनल अकाउंट में, मानना नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों आएगा। आप समझो क्यों, क्योंकि अकाउंट्स में क्यों का जो टेस्ट है ना, जो क्यों का टेस्ट समझ जाएगा वो ये जान जाएगा, समझ लो अकाउंट्स सीख रहा है वो, ठीक है। तो देखो आप देखते हैं कि कैपिटल पर्सनल में क्यों आ रहा है। गाइस अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट का रूल हम कहाँ लगाते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर भी हमें नेम दिख जाता है, वो नेम या तो किसी नेचुरल पर्सन का नेम होगा या आर्टिफिशियल पर्सन का नेम होगा, ठीक है। ये आपको मैंने ट्रिक सिखाई थी एक तरीके की, ठीक है। अब हम बात करते हैं किताबों की, अब हम बात करते हैं बुक की बुक क्या कहती है, क्योंकि ये तो है प्रैक्टिकल। जब आप प्रैक्टिकली जर्नल बनाने जाओगे तब आपको पर्सनल अकाउंट हेल्प करेगा, लेकिन अगर बुक के हिसाब से बात करें तो पर्सनल अकाउंट 3 जगह लगता है। कहाँ का लगता है, 3 जगह। मैं तीनों जगह यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पर्सनल अकाउंट पहला लगेगा नेचुरल पर्सन पे, मैच कर की बात, नेचुरल पर्सन हमें पता है। पर्सनल अकाउंट लगेगा आर्टिफिशियल पर्सन पे, मैच कर गई वो बात जो मैंने आपको बताया था। तीसरा एक और होता है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल यानी अब ये क्या है, ऐसी चीज़ें जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करें, ऐसी चीज़ें जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करें। जैसे मैंने बोला राम, तो राम तो हो जाएगा नेचुरल, लेकिन अगर मैं बोलूँ राम एंटरप्राइजेस तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन अगर मैं बोलूँ, सपोज मैंने अगर आपको कहा राम्स कैपिटल, राम कौन है, ओनर का नाम है, प्रोप्राइटर का नाम है राम्स कैपिटल, तो ये जो कैपिटल है ये राम को डिनोट कर रहा है। अगर मैं बोलूँ राम्स ड्रॉइंग्स, राम्स ड्रॉइंग्स यानी राम ने पर्सनल यूज के लिए पैसा लिया, ड्राइंग्स किसने की है, राम ने, वो राम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ही चीज आती है, जैसे अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो अब इसको समझ लो, अगर आपके क्वेश्चन में सपोज मैं आपको बोलूं सैलरी, ये लिख के दूं, एक तरफ लिख के दूं सैलरी, तो हम मानेंगे ये सैलरी हमने पे की है। सैलरी का मतलब होता है सैलरी पेड, ठीक है। और इसको हम डालते हैं नॉमिनल अकाउंट में। किस में डालते हैं, नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग को ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ओ ऑब्लिक एस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हमने पे नहीं करी, ड्यू छोड़ दी, हमने उसको पे नहीं किया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर आ जाए तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी को रिप्रेजेंट करता है, किसको, उस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमने देनी है, वो एक लायबिलिटी है आपके लिए। तो ये भी किस में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आएगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे कैपिटल की, वापस चलते हैं हमारे उसी पेज पर। कैपिटल में कौन सा रोल लगेगा, पर्सनल का। तो सोहेल ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास कैश आया, ठीक है। और जो कैश आया वो किसने दिया, ओनर ने, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। इस पे लगेगा रियल, इस पे पर्सनल। कौन सा रूल पकड़ोगे सर, रियल पकड़ लेंगे हम तो। रियल का रूल क्या कहता है, रियल का रूल कहता है कि कोई चीज आ रही है या जा रही है, इन या आउट। अगर आ रही है तो डेबिट और जा रही है तो क्रेडिट। तो सोच के देखो कैश आ रहा है या जा रहा है। तो अगर आने या जाने की बात करते हैं तो कैश तो यहां पर आ रहा है, कैश आ रहा है, आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। सर क्यों आ रहा है, बेटा हम बिजनेस हैं,
ओनर ने कैश हमें दिया है बिजनेस के अंदर, सो कैश इज कमिंग इन, इट्स डेबिट, ठीक है, आ रहा है, ये डेबिट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है सर, अब तो समझ में आ गया, अब तो हमें पता है कौन डेबिट हो रहा है, कैश, तो ठीक है यहाँ पर लिख देंगे हम, सीरियल नंबर लिखेंगे, नंबर वन यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट, याद है ना पहला अल्फाबेट आपका कैपिटल्स में लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट को डीआर लिखेंगे, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। अभी कई सारे लोग ऐसे पढ़ेंगे डेबिट को डीआर क्यों लिखते हैं, ठीक है, ये सब बातें बात की होती है, टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड नहीं लिखते, यहाँ पर उसका अमाउंट आ जाएगा 50,000, 50,000, फिर हम नरेशन लिख देंगे, यहाँ आ जाएगी नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ लाइन खींचे उसको बंद कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रांजेक्शन नंबर सेकेंड, सेकेंड ट्रांजेक्शन भी बिजनेस स्टार्ट करने की है, अब यहाँ पर थोड़े से कुछ ज़्यादा आइटम्स हैं, सोहेल स्टार्टेड बिजनेस, सोहेल ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने बिजनेस के अंदर क्या क्या लगाया, उसने कैश दिया बिजनेस के अंदर, ठीक है 50,000, और क्या दिया, उसने बिल्डिंग दे दी, उसके पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई थी वो भी उसने बिजनेस में लगा दी, बिल्डिंग उसकी वैल्यू कितनी 80,000, हंसना मत कि सर बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 होती है क्या, ठीक है इमेजिनेटरी वैल्यू है ये, फर्नीचर दिया उसने, फर्नीचर कितने का 30,000 का, ये यहाँ पर आ गया, उसने क्या दिया हॉर्स दिया, ठीक है कई बच्चों का दिमाग क्लिक कर गया होगा हॉर्स मतलब सर ने पढ़ा रखा है हमें, ठीक है 25,000, और उसने क्या दिया स्टॉक दिया, तो स्टॉक दिया यानी कितना 40,000। अब आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको कहा था ओनर जो भी बिजनेस के अंदर लगा रहा है कैश में या काइंड में किसी भी फॉर्म में जो भी वो बिजनेस के अंदर लगाएगा दैट टोटल बिकम्स द कैपिटल, कैपिटल का मतलब द टोटल इन्वेस्टमेंट डन बाय द ओनर इन द बिजनेस, तो चलो उसका टोटल कर लेते हैं, ये टोटल आपका आ रहा है 2,25,000, 2,25,000, तो 2.25 लाख लिख दिया मैंने इसको, ठीक है 2,25,000, तो चलो अब मुझे बताओ कैश पे कौन सा रूल लगेगा, कैश पे सर रियल लगेगा, बिल्डिंग पे कौन सा लगेगा रियल लगेगा, फर्नीचर पे कौन सा लगेगा रियल लगेगा, हॉर्स पे क्या लगेगा रियल लगेगा, स्टॉक पे क्या लगेगा रियल लगेगा, कैपिटल पे क्या लगेगा पर्सनल लगेगा। अब देखो हम यहाँ पर सबका रूल लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाता हूँ, सुनना ध्यान से, जब भी हमारे पास दो से ज़्यादा आइटम हो, क्या देखना मैं इस पेज पे देखो, देखो अब अगर हमारे पास दो से ज़्यादा आइटम आ जाए किसी भी जर्नल में, जैसे अगर मैं आपको एक ट्रांजेक्शन दूँ कि ओनर ने कैश और फर्नीचर बिजनेस में लगाया, ठीक है तो कैश लगाया फर्नीचर लगाया टोटल कितना लगाया 3 लाख, तो ये जो टोटल 3 लाख है ये क्या हो जाएगा, ये 3 लाख आपका हो जाएगा कैपिटल, ठीक है क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वही होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हमें यहाँ पता लग गया कि सर यहाँ पर दो आइटम नहीं है 3 आइटम है, तो जब भी दो से ज़्यादा आइटम हो, ठीक है तो पहला काम आपको क्या करना है, टीम बनानी है, क्या बनानी है टीम बनानी है, अब टीम दो टीम में बंटवारा करना है इनका और ऐसे करना है कि दोनों टीम के पास बराबर पैसा होना चाहिए, ठीक है तो क्या मैं फर्नीचर और कैपिटल को एक टीम में डाल सकता हूँ, नहीं सर ये तो 2 लाख और 3 लाख 5 लाख हो जाएगा, तो उसका मतलब कौन कौन सी टीम बनेगी, ये एक टीम बनेगी और ये एक टीम बनेगी, ठीक है अब देखो यहाँ भी 3 लाख हो गया यहाँ भी 3 लाख हो गया, अब रूल लगा लो यहाँ पर कैश कौन सा रूल है रियल, बस ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, ठीक है अब समझो कैश का रूल है रियल, रियल क्या कहता है आ रहा है या जा रहा है, बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस के अंदर कैश आया, आया तो डेबिट, अगर इस टीम का एक मेंबर डेबिट है तो दूसरे मेंबर भी क्या होगा डेबिट, और अपोजिट टीम का क्या हो जाएगा क्रेडिट, इस तरीके से अगर दो से ज्यादा आइटम आएंगे तो हम डील करेंगे। चलो चलते हैं हमारे उस क्वेश्चन पे वापस और देखते हैं कि वहां पर कैसे डील होगा, यहां पर देखिए यहां पर जो एक टीम है ये यहां से तक की एक टीम हो गई, कैश से लेकर के यहां से लेकर के स्टॉक तक की एक टीम हो गई, मैंने कैश को देखा कैश पर रियल लग रहा है, कैश आ रहा है जा रहा है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो आ रहा है, आ रहा है तो डेबिट हो गया, अगर डेबिट हो गया तो ये सारे मेंबर्स क्या हो गए डेबिट हो गए और ये ऑपोजिट टीम का मेंबर क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, तो ठीक है जर्नल बना लेते हैं, यहां लिख देते हैं अपन नंबर सेकेंड, क्या क्या आया कैश आ रहा है सो कैश अकाउंट डेबिट और यहां पर उसका अमाउंट आ जाएगा 50,000, ठीक है बिल्डिंग दी है उसने, बिल्डिंग भी हमारे पास आ गई है, ठीक है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 80,000, ठीक है फर्नीचर दिया है हमें सर ने तो लो जी फर्नीचर दे दिया उन्होंने बाबू ने हमारे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है अच्छा फर्नीचर के बाद हॉर्स दिया, आपको पता है हॉर्स यानी एनिमल, एनिमल को हम क्या लिखते हैं लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना 25,000, ठीक है फिर स्टॉक दिया है तो चलो स्टॉक दिया तो स्टॉक है वो स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये सारी चीज़ हमारे पास आ गई, इन सबको हमने क्या किया डेबिट,
और क्रेडिट किसको करेंगे? कैपिटल को, टू कैपिटल अकाउंट, और ये यहाँ पर 2,25,000 इसका टोटल आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये वो सब लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत इसमें है नहीं क्योंकि साफ विजिबल हो रहा है, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अपना इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड। गाइस, जो अब आगे की ट्रांजेक्शन हम करने वाले हैं उसको करने से पहले मैं आपको एक फंडा समझाता हूँ, ठीक है, जो उसमें एप्लीकेबल होगा। देखो, जब भी आप कुछ परचेज करो, ठीक है, या सेल करो, नॉर्मली हम क्या परचेज सेल करते हैं, नॉर्मली एक बिजनेस क्या परचेज सेल करते हैं, एक बिजनेस परचेज सेल करता है गुड्स जिसमें वो डील करता है। ठीक है, पढ़ाया था ना गुड्स क्या होता है जिसमें वो डील करता है। तो जब वो गुड्स परचेज करेगा या सेल करेगा तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसने पैसे लिए थे या पैसे दिए थे। इसका मतलब है कि क्या वो ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है या वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कैसे पता लगेगा कि वो जो ट्रांजेक्शन है, जो हमने गुड्स परचेज किए हैं, वो कैश ट्रांजेक्शन है या फिर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट यहाँ एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है उधार। ठीक है, कि हमने पैसे देके खरीदा बेचा है या उधार में खरीदा बेचा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इस फंडे को क्लियर करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है। ठीक है, ये मेरा वाला फॉर्मूला है, ध्यान से देखना बच्चे उसको। ठीक है, आपको इन चार वर्ड्स को ढूंढना है। पहला वर्ड कैश, ठीक है, दूसरा वर्ड क्रेडिट, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी पूरा समझा रहा हूं, तीसरा नेम और चौथा नथिंग। ठीक है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, इन दोनों में से कोई भी चीज अगर हमें दिख जाएगी तो वो कैश ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चीज अगर हमें दिख जाएगी तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। अब ये क्या है एक बार समझते हैं। चलो, मैं इसी में ही आपको एक ट्रांजेक्शन नीचे यहां पर लिखता हूं। अगर मैं आपको ये दूं, ठीक है, मैंने आपको दिया सपोज परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 1,00,000, मतलब हमने 1,00,000 रुपए का माल खरीदा, गुड्स खरीदे। ठीक है, इस पूरे स्टेटमेंट में, इस पूरे ट्रांजेक्शन में पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड को ढूंढो, ये रहा हमारा पहला फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये थर्ड, ये इसी सीक्वेंस में देखना है, और फोर्थ पहले वर्ड ढूंढेंगे कैश। क्या इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर भी कैश वर्ड आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा। आगे बढ़ जाओ, क्रेडिट वर्ड आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा। किसी का नाम आया है, मोहन सोहन? नहीं सर, नहीं आया। तो नथिंग है ना? हाँ, नथिंग है सर। तो इसका मतलब है ये कैश ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? कैश ट्रांजेक्शन। तो यहां पर जो दो आइटम्स होंगे वो होंगे गुड्स और कैश, यानी हम गुड्स खरीद रहे हैं पैसों में। ठीक है, एक और ट्रांजेक्शन, चलो इस ट्रांजेक्शन को देखो। अगर मैं आपको दे दूं ट्रांजेक्शन नंबर सेकेंड, मैं आपको बोल दूं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम पीयूष फॉर रुपीज 1,00,000। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम पीयूष। अब इसमें वर्ड ढूंढो। पहला वर्ड मैंने आपको क्या दिया था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको कैश दिख रहा है, आपको कैश दिया था। क्या यहाँ कहीं कैश वर्ड लिखा है? सर ये 1,00,000 लिखा है। बेटा 1,00,000 है, कैश वर्ड नहीं है ये, ये तो उसका अमाउंट है, ये तो हर जगह होगा, एक अमाउंट तो जरूरी है। ठीक है, तो ये तो अब छोड़ दो उसको, तो मतलब कैश नहीं है। आगे बढ़ जाओ, क्रेडिट वर्ड लिखा है, कहीं लिखा है ऑन क्रेडिट? नहीं सर, नहीं लिखा। नेम आया किसी का? हाँ सर, नाम आ गया। तो बेटा अगर नेम आ गया तो यानी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? क्रेडिट। इसका मतलब हम जो गुड्स खरीद रहे हैं पीयूष से वो उधार में खरीद रहे हैं, पैसे नहीं दिए। तो यहां जो दो आइटम होंगे वो होंगे गुड्स और पीयूष। सर पीयूष क्यों? बेटा तूने उधार में खरीदा है, इसका मतलब तूने पेमेंट तो दिया ही नहीं अभी, तूने पेमेंट देना होगा। किसको? सर पीयूष को। तो ये कैसे याद रहेगा? अगर उसका नाम ही नहीं लिखेगा तो कैसे याद रहेगा पेमेंट किसको देना है? तो तू यहां पर खरीद के लाया और तेरे को पीयूष को पेमेंट करना है, तो पीयूष तेरा कौन हो गया? क्रेडिटर। पढ़ाया था टर्म्स में आना चाहिए पीसी, परचेज करोगे तो क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, अगर तीसरा वाला देखो, ये भी अच्छा ट्रांजेक्शन है। अगर मैं आपको दे दूं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोना इन कैश रुपीज 1,00,000। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड हमें क्या ढूंढना होता है? कैश ढूंढना होता है। ठीक है, दिख रहा है आपको? सबसे पहला वर्ड हम क्या ढूंढते हैं? कैश। तो क्या यह कैश आया है? हाँ सर, साफ साफ लिखा है। तो बेटा ये कैश ट्रांजेक्शन है। सर फिर मोना? मोना को जाने देना यार, जब तू गुड्स खरीद के लाया, पैसे दे आया, अब क्या फर्क पड़ता है तू किससे लेके आया। तो यहां पर यहां जो दो आइटम होंगे वो कौन से होंगे? गुड्स
और कैश। गाइस आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि बेटा आइटम सेलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला जो मेरा फॉर्मूला है ये समझ में आ गया हो। ये फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिएगा। ये कहाँ पर अप्लीकेबल होगा? जब आप गुड्स खरीदोगे या बेचोगे, और आपको ये जानना होगा कि कैश इन्वॉल्व हो रहा है या क्रेडिट। अगर क्रेडिट है तो उसका मतलब आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, और कैश है तो फिर आप उसका नाम नहीं लिखोगे। चलो जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब गाइस ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर 10,000, परचेज गुड्स फॉर 10,000। जरा मुझे सोच के बताओ कि जो गुड्स हमने खरीदे हैं ये कैश में खरीदे हैं या क्रेडिट में। सर कैश वर्ड नहीं लिखा, क्रेडिट नहीं लिखा, नाम नहीं आया, नथिंग है ना। तो नथिंग का मतलब कैश ट्रांजेक्शन हुआ, इसका मतलब यहाँ जो गुड्स खरीदे हैं वो पैसे दे के खरीदे हैं। तो एक आइटम आ जाएगा गुड्स और एक आ जाएगा कैश, ठीक है। अच्छा गुड्स पे क्या रूल लगता है? रियल। कैश पे क्या लगेगा? रियल। तो सर हम तो कैश को पकड़ेंगे, ठीक है। कैश आ रहा है जा रहा है? सर गुड्स खरीदे हैं तो कैश जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। अब लिखते कैसे, ध्यान से देखना मेरी बात। यहाँ पर गुड्स डेबिट हो रहा है तो एक्चुअली हमें क्या लिखना चाहिए? गुड्स अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार को, फिर आपको उसको क्लियर करके बताऊंगा। हम यहाँ लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट कि हमने गुड्स खरीदे हैं, और क्या दिया? टू पैसा दे दिया, टू कैश अकाउंट, ठीक है। और यहां पर उसका अमाउंट आ जाएगा, कितने के गुड्स हैं? 10,000 और 10,000, ठीक है। अब एक बात समझ लो, कभी भी आप गुड्स को गुड्स नहीं लिखोगे। यहां की बात ठीक है, रफ में लिख सकते हो, लेकिन जर्नल में नहीं लिखोगे। गुड्स को चार वर्ड से लिखा जाता है, या तो आप उसको लिखोगे परचेज, या आप उसको लिखोगे सेल्स। भैया अगर आप खरीद रहे हो तो परचेज लिख दो, बेच रहे हो तो सेल्स लिखो। अगर आप खरीद के लाए थे लेकिन आपको अब समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं है, गुड्स डिफेक्टिव है, तो लौटा रहे हो, तो परचेज रिटर्न लिखोगे। क्या लिखोगे? परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड, याद रखना, ठीक है। अगर आपने बेचा था और कस्टमर ने वापस कर दिया तो वो सेल्स रिटर्न होगा, वापस आ रहा है तो उसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड, इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो गुड्स को चार वर्ड बने लिखने के लिए, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न। इसका मतलब इस एंट्री पूरी ठीक है लेकिन ये गुड्स वर्ड गलत है, तो ठीक है इस गुड्स को हटा देते हैं यहाँ से और उसको ठीक कर देते हैं। लीजिए हटा दिया हमने गुड्स वर्ड को, तो सर गुड्स की जगह क्या आ सकता है? बेटा चार वर्ड है देख लिया तो क्या कर रहा है? ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड में लिखा है परचेज गुड्स, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आ जाएगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट, यानी गुड्स की जगह यहाँ परचेज वर्ड आ जाएगा, ठीक है। सर नरेशन, बेटा लिखेंगे ना नरेशन, ये रहा बीइंग गुड्स परचेज्ड, लिखना है तो लिख दे इन कैश, ठीक है। चलो चलते हैं हम ट्रांजेक्शन नंबर फोर्थ पर। गाइज अगर पूरा वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो ये फोर्थ ट्रांजेक्शन बहुत ईजी है। यहाँ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है। अब जरा देख के बताओ, सोच के बताओ, जो हम गुड्स खरीद रहे हैं राम से, ये हमने पैसे दे के खरीदे हैं या उधार में खरीदे हैं? फॉर्मूला याद है मैंने क्या बताया था? कैश क्रेडिट नेम नथिंग, कैश वर्ड नहीं लिखा, क्रेडिट नहीं लिखा, नाम आ गया, ठीक है। तो उसका मतलब ये जब राइट साइड वाले दो चीज में से कोई मैच करती है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। तो ये हमने उधार में खरीदा है, तो हम राम से उधार में माल लेके आ रहे हैं, तो ठीक है। यहाँ जो दो आइटम होंगे वो कौन से होंगे? आप क्या लेके आ रहे हो? गुड्स। पैसे दिए? नहीं दिए, तो देने होंगे ना किसको? राम को। तो ये दो चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, हम दोनों लिख दी। कैश नहीं आएगा बिकॉज दिस इज नॉट अ कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब गुड्स पे लगेगा रियल, और राम क्या है? ये तो नाम है, तो पर्सनल अकाउंट। अब हम रियल को यानी गुड्स को पकड़ेंगे। गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं? सर खरीदें, तो बेटा आ गए यानी डेबिट। ये डेबिट हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, तो ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर गुड्स को डेबिट? सर गुड्स को गुड्स नहीं लिखते, तो बेटा देख क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन तुम्हारी जर्नल क्या बन जाएगी? यहाँ आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। टू राम लिख के भी छोड़ सकते हैं, अकाउंट नहीं लिखना मत लिखो, चल जाएगा, लेकिन लिख दोगे तब भी इट्स ओके, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसका अमाउंट आ जाएगा 10,000, कॉमा लगा दीजिए 10,000, ठीक है। ये सब चीज आपके प्रेजेंटेशन में काउंट होती है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, एक्सप्लेन करना है भैया हमें एंट्री किस चीज की है। अब तुम तो अकाउंट सीख गए, लेकिन कोई ऐसा जाना हो जो अकाउंट नहीं जानता हो इसको देखे, तो उसको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। जैसे सी प्लस ओ टू सी ओ टू, अब ऐसे लिख दोगे तो जो उसने केमिस्ट्री नहीं पता वो नहीं समझ पाएगा, गॉट इट। इसलिए नरेशन लिखी जाती है। चलो देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर फाइव। ट्रांजेक्शन नंबर फाइव परचेज गुड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। गाइस फोर्थ एंड फिफ्थ आर एग्जैक्टली सेम,
क्यों? क्योंकि फोर ट्रांजेक्शन में हमने देख लिया था, वहां नाम लिखा है तो उधार में खरीदा है, यहां साफ बोल दिया परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। सेम दो ही आइटम आएंगे, गुड्स और राम, सेम एंट्री बनेगी, तो ठीक है सेम एंट्री बनेगी, तो आप प्लीज कर लीजिएगा इसको। मैं यहां पर फिलहाल आपके लिए लिख देता हूँ नंबर 5 पे, यहां लिख देता हूं मैं सेम एज फोर्थ। ठीक है, आपको पूरी एंट्री बना के दिखानी है। ओके चलो चलते हैं हमारे नंबर 6 पर। इजी है, कई लोग बच्चे क्लिक कर लेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। सर कैश लिखा है तो बेटा पैसे देके खरीदा है सर, फिर इसका मतलब राम, बेटा राम का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो दो आइटम होंगे क्या कौन कौन से होंगे सोच के देख, क्या खरीद रहा है, गुड्स, ठीक है, और क्या देके, पैसे दे करके। सो सर नाम तो लिखेंगे नहीं क्योंकि पैसे दे दिए, इस पे रियल लगेगा, इस पे रियल लगेगा, हम किसको पकड़ेंगे, हम कैश को पकड़ेंगे। देखो परचेज गुड्स, हम गुड्स खरीदे तो कैश जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट, अगर ये क्रेडिट हो गया दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ठीक है गुड्स को डेबिट कर देते हैं, गुड्स को अगर डेबिट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेस गुड्स, वर्ड नहीं लिखना जनरल में, परचेस अकाउंट डेबिट, और जिसको क्रेडिट कर रहे हो उससे हम बदतमीजी से बात कर लेंगे, टू कैश अकाउंट, और यहाँ अमाउंट आ जाएगा, सब में हमने सेम अमाउंट लिए 10,000 10,000। ठीक है ये हो गया। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, आप लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 8 पर, ठीक है, और 7th ट्रांजेक्शन आप करेंगे, ठीक है, 8th ट्रांजेक्शन मैं करा रहा हूँ। बच्चों देखो 7th ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो आप 8 भी कर सकते थे, लेकिन मैं 8 आपको फिर भी करके दिखा रहा हूँ ताकि 7 में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ठीक है बस एक ही चीज़ आपको समझनी है, सोल्ड गुड्स टू महेश, आपने गुड्स महेश को बेचे, सेम चीज़ सेम रूल जो मैंने आपको सेम फॉर्मूला बताया यहाँ पर लगाओ। ठीक है हम गुड्स बेच रहे हैं महेश को, कैश वर्ड नहीं लिखा, क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा, लेकिन नाम आ गया तो उधार मानते हैं इसको, तो हम उधार में महेश को गुड्स बेच रहे हैं, इसका मतलब पैसा इन्वॉल्व अभी इसमें नहीं हो रहा, गुड्स बेच रहे हैं किसको, महेश को, यानी हमने उससे पैसा लेना है तो हमारा डेटर हो जाएगा। ठीक है गुड्स पे क्या लगेगा, रियल, महेश पे क्या लगेगा, पर्सनल, रियल के हिसाब से गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, सर ये तो बेचे हमने, बेटा गुड्स जा रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट, फिर ये क्या हो जाएगा, डेबिट, तो कौन डेबिट हुआ, महेश, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, महेश अकाउंट डेबिट, ठीक है एपोस्ट्रॉफी एस लगा लेना, महेश अकाउंट डेबिट टू, अब मैं क्या गुड्स को क्रेडिट कर रहा हूँ तो गुड्स वर्ड लिख सकता हूँ, नहीं सर गुड्स नहीं लिख सकते, यहाँ क्या कर रहे हो सर बेच रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ड आएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है अमाउंट आ जाएगा 10,000 10,000, नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुड सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट। ठीक है चलिए चलते हैं हमारी 9th ट्रांजेक्शन पर। गाइस 9th ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखी है, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹8,000, ओनर को पैसे की जरूरत थी, घर पे कुछ सामान चाहिए होगा, घर के यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, उसने ₹8,000 बिजनेस में से निकाल लिए। ठीक है आप कौन हो, आप ओनर नहीं हो, आप बिजनेस हो जहां से वो ड्रॉइंग कर रहा है, जहां से विड्रॉल कर रहा है, ठीक है याद आ गया होगा आपको। तो पहली बात आपके पास से क्या गया, सर हमारे पास से तो कैश गया, ठीक है कौन लेके गया, ओनर, पर्सनल यूज के लिए, इसको क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं, आपने वीडियो में देख लिया होगा। ठीक है तो हम ओनर ने कैश लिया फॉर पर्सनल यूज, उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। मैं अगर रूल के हिसाब से बात करूं, देखो रूल के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर कैश पे कौन सा रूल लगेगा, रियल का, ड्राइंग्स पे कौन सा लगेगा, पर्सनल, सर पर्सनल क्यों, बेटा ड्राइंग्स ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहां पर हम और आसान करते हैं, मैं आपको एक ट्रिक और सिखाता हूं, ध्यान से देखना बेटा, जो ट्रिक सिखाऊंगा ना ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, कोई नहीं सिखाएगा आपको, और ये जितना टफ टॉपिक होता जाएगा उतनी आसान ट्रिक मैं आपको देता जाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ड्राइंग की स्पेलिंग बतानी है मुझे, ड्राइंग की स्पेलिंग क्या होती है, सर डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी एस, ये ड्राइंग नहीं होता, ड्राइंग्स होता, हमेशा याद रखना बेटा, ड्राइंग्स के शुरू के दो बस अल्फाबेट बता दे, सर डी आर, बस हो गया काम, लो जी सर इसका मतलब, बेटा ड्राइंग्स हमेशा ही डेबिट होती है, हमेशा कुछ भी हो जाए सर हमेशा, बेटा 200%। ठीक है अच्छा सर ड्राइंग्स अगर डेबिट है तो इसका मतलब है ये तो क्रेडिट हो गया, सर ये तो फ्री फोकट में बन गई, हाँ बेटा बन गई, चल लिख दे इसको यहाँ पर जल्दी से, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, कितना ड्राइंग किया था उन्होंने, ओनर ने 8,000 8,000। ठीक है डोनेशन यहाँ आ जाएगी बीइंग ₹8,000 या बीइंग कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज
फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 10th पर। यहां लिखा हुआ है विड्रू फ्रॉम बैंक ₹5,000। मैंने आपको बोला था कि आपके पास थोड़ा पैसा आप अपने ऑफिस में रखते हो या अपनी शॉप में रखते हो, शॉप में गल्ला होता है, कैश बॉक्स वहां रखते हो, और बाकी का आप बिजनेस का पैसा बैंक में रखते हो। तो जो बैंक में पैसा पड़ा था बिजनेस का, वहां से बिजनेस ने ₹5,000 निकाले। ओनर ने निकाले, यहां पर ओनर नहीं कहा गया कि ओनर निकाल रहा है, तो ड्रॉइंग्स की बात नहीं हो सकती। बिजनेस ने खुद के अकाउंट में से पैसा निकाला, ठीक है, खुद के अकाउंट में से। बिजनेस का जो अकाउंट होता है बैंक में, उसको करंट अकाउंट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। जब किसी इंसान के नाम पर अकाउंट खोलते हैं, यानी अगर गौरव सर का अकाउंट होगा, गौरव खन्ना के नाम का, तो वो सेविंग अकाउंट होगा, ठीक है, बिजनेस में वैसे पढ़ाऊंगा आपको मैं। और अगर कॉमर्स मित्र का अकाउंट होगा, कॉमर्स मित्र के नाम का, तो वो करंट अकाउंट कहलाता है। एनीवेज, तो बिजनेस ने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट से ₹5,000 निकाले। क्या निकाला सर? कैश निकाला। बेटा कहां से निकाला? उसने अपने बैंक अकाउंट से निकाला, ठीक है। अब देखना कैश कौन सा रूल है, रियल। चलो बैंक भी फटाफट बता दो, जल्दी से बता सकते हो, दोनों रियल हो गए? नहीं बेटा, पर्सनल। सर क्यों सर, ये कैसे? बेटा बैंक का नाम होता है ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, RBI बैंक, तो नाम है तो पर्सनल होगा ना, ठीक है। आ गया सर ने, तो ये रियल का रूल लगेगा। रियल का रूल क्या कहता है, आया गया, आपने अपने बैंक से पैसा निकाला तो आपके पास पैसा आ रहा है, आ रहा है तो डेबिट, ये डेबिट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ठीक है, कैश डेबिट हो रहा है। हम जर्नल बनाने के लिए, बिल्कुल हम तो तड़प रहे बनाने के लिए, हम यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 5,000, ठीक है। और ये आ जाएगा बीइंग कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना होता है, लास्ट में हम इन दोनों साइड का टोटल करेंगे, इसको इस तरीके से बंद करेंगे, इसको इस तरीके से बंद करेंगे, और एक और नीचे डबल लाइन करेंगे। टोटल में हमेशा डबल लाइन करते हैं। अब ये वाला पूरा डेबिट का जो कॉलम है, यहाँ पर टोटल, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा जो भी टोटल आपका करना है, और यहाँ वाला अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा टोटल, TOTAL। दैट्स इट, इतना ही करना था। लेवल वन हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है। मैं लेवल वन के क्वेश्चन आपको दूंगा, आप वो फिनिश करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे लेवल टू पे। यू विल एंजॉय, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, एडवांस होता जाएगा आप अकाउंट से। बस याद रखना यार, अगर अच्छे अकाउंट्स करने ना, मोहब्बत करना सीख जाओ, अरे सब्जेक्ट से, अकाउंट से, ठीक है। चलो गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, बाय बाय। Like a bird on a tree.